पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और उनमें हम इंसानों के साथ साथ घर घर रहने वाली ये नन्ही गौरैया भी शामिल हैं। लेकिन आज ये पक्षी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहरों में गौरैया विलुप्त होने के कगार पर है। भारत के बहुत से हिस्सों जैसे बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दूसरे शहरों में गौरैया की स्थिति बहुत चिंताजनक है। ऐसे में देवभूमि के गौरैया सेवक दिनेश कुकृति जी गौरैया संरक्षण का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गणित के शिक्षक दिनेश चंद्र कुकृति जी ने गौरैया पक्षी के संरक्षण का कार्य 1997 में अपने घर नंदपुर से शुरू किया। गौरैया पक्षी की सेवा में कई मुश्किलों से उबरते हुए उन्होंने अब तक हजारों घोंसले बनाए हैं और बांटे हैं। पहले उनके बनाए घोंसलों में गौरैया नहीं आती थी। उन्होंने इस बात पर बहुत रिसर्च की कि नेस्ट बॉक्स को किस तरह से बनाया जाए जिससे गौरैया उसमें सेफ फील करे, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। उन्होंने वर्ष 2008 से गौरैया के अनुकूल घोंसला बनाने की शुरुआत की। दिनेश जी के नेस्ट बॉक्सेस की बेहद खूबसूरत बात है नेस्ट बॉक्स के आगे लगाई गई ये जाली या नेट। ये आपको सामान्य नेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये गौरैया और गौरैया के बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 2017 से नेस्ट बॉक्स के आगे जाली लगाकर नेस्ट बॉक्सेस बनाने शुरू किए। उनके इस प्रयास में उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, जिससे वे इतनी अधिक मात्रा में नेस्ट बॉक्सेस बनाने में सफल होते हैं। पिछले साल तक गौरैया सेवक दिनेश जी के घर में करीब 100 नेस्ट बॉक्सेस लगे थे। इस साल 40 जालीदार नेस्ट लगाए गए हैं, और 2019 से उन्होंने लोहे के स्टैंड के नेस्ट बॉक्सेस लगाने भी शुरू किए। उनका घर या बर्ड हाउस आज के समाज के लिए एक मिसाल है, और कई पर्यावरण प्रेमी उनसे इंस्पायर होने, उनका प्रोत्साहन करने व उनका सहयोग करने उनके घर जाते रहते हैं। 2021 तक दिनेश जी ने 12,500 से अधिक नेस्ट बॉक्सेस निशुल्क लगाए और वितरित किए। उनके बनाए गए नेस्ट बॉक्सेस उत्तराखंड के अतिरिक्त यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब के कई पक्षी प्रेमियों तक पहुंच चुके हैं। उनके परिवार ने गौरैया पक्षी के कई परिवारों को शुरू होते हुए और गौरैया के छोटे बच्चों को पहली उड़ान भरते हुए देखा है। आइए मिलते हैं देवभूमि के गौरैया सेवक दिनेश कुकृति जी से और सुनते हैं उनकी इस मुहिम की कहानी उन्हीं की जुबानी। 1997 से मैं गौरैया संरक्षण का कार्य कर रहा हूँ और 24 वर्ष से अभी मुझे गौरैया संरक्षण का कार्य करते हुए हैं, और इसमें यह है कि लगातार जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। जहाँ जहाँ डिब्बे मैंने लगा रखे हैं उनको देख रेख करना और ये देखना कि डिब्बे खराब तो नहीं है। कहीं पर ऐसा गौरैया की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर फिर अधिक डिब्बे लगाना, और लोगों का भी हमेशा साथ रहता है। अनुभव यही है कि गौरैया के साथ एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि रात दिन फिर इस गौरैया के बारे में सोचा जाता है किस तरह से इसे बचाया जाए, गौरैया के साथ अन्य चीज़ों को भी, पक्षियों को भी कैसे बचाया जाए। और बहुत से अच्छे लोग हैं जिनका कि लगातार सहयोग मिलता रहता है, और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमेशा कोशिश रहती है कि इस कार्य को और अधिक बढ़ाया जाए। गौरैया के लिए मैंने छोटे छोटे नेस्ट बॉक्स हैं 2008 से लगाना शुरू किया अपने घर के आसपास, और घर के आसपास मैंने देखा कि कहीं भी गौरैया किसी के घर में नहीं थी, और लगभग पूरी चारों तरफ मेरे इलाके जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ पे गौरैया लगभग बहुत कम था। लेकिन मैंने एक एक दो दो डब्बा 2008 से अपने पड़ोस से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में लगाना शुरू किया, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, और अपने घर में एक एक डब्बा जहाँ मैंने लगाया उसकी सुरक्षा भी की, और उस कारण से उसमें एक साल में 3 या 4 बार गौरैया के बच्चे
उड़े और 2008 से लगाने के बाद उसके बाद लगातार ये मुहिम चलता रहा है और आज तक लगातार चल रहा है। अब तक मैं 13,000 से ज़्यादा नेस्ट बॉक्स स्वयं बना करके जगह जगह लगा चुका हूँ और आगे कोशिश ये है कि इसी तरह से लगातार लगते रहे। ये गोरे के लिए एक नेस्ट बॉक्स है साधन, इसका गोरे के लिए प्रत्येक चिड़िया के लिए एक डिब्बा जो होता है अलग अलग होता है। इसका जो गोरे के लिए जो सुराग होता है जिसे गोरे अंदर डिब्बे में जाता है, ये कम से कम 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है और 3.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए। इससे अधिक होने पर यह दूसरे चिड़िया इसमें बैठ जाए। इसको उस जगह में हमें लटकाना है जहाँ पर हम उठते बैठते हैं, जहाँ पर हमारे किचन है, जहाँ पर हम खाना खाते हैं, जहाँ पर हमारा टीन सेट है, जहाँ पर उसे ये लगे कि यहाँ पर भी कोई परिवार रहता है, क्योंकि हमारे ही कारण से वो हमें घोंसला बनाता है। इस प्रकार से ही कई बार लगता है। और यदि हम मुझे हमें ये लगता है कि हमारे घर के आसपास कौवा है, त्रिपाय है, या सिकरा बाज है, या फिर अन्य प्रकार की जो कोई पक्षियाँ हैं जो ब्लैक हेडेड मैना है, इसको इसके अंडे बच्चे को नुकसान करता है, तो हम इस प्रकार से ये जाला भी उसके लिए लगा सकते हैं आगे और इसको इस प्रकार से लटका दें। और गौरैया अगर हमारे घर के आसपास नहीं है तो गौरैया 10-15 किलोमीटर के रेंज में आसपास हमारे क्षेत्र है वहाँ पे आते रहते हैं और कभी न कभी इसमें जरूर आएगा और अपना घोंसला बनाएगा। अगर देर सवेर ऐसा नहीं, कभी मैंने जहाँ घोंसला लगाया कभी 3-3 वर्ष के बाद वहाँ पर गौरैया आया है और उसने घोंसला बनाया। इसको इस प्रकार से लटका सकते हैं। और यदि आपके घर के इस प्रकार से कोई परिवर्तन है तो सावन डिब्बे लगा दें, आप घर के आसपास आप देख रेख कर सकते हैं और एक साल में 3 या 4 बार इसके बच्चे उठ सकेंगे, देख सकते हैं जिसमें डिब्बे लगा रखे हैं पेड़ों में। करीबन 100 डिब्बे इसके आसपास घर के आसपास ही लगा रखे हैं जिनमें लगभग लगभग सभी में अंडे बच्चे हैं। ये लास्ट नमस्कार, मैं दिनेश चंद कुकरेती, ग्राम लंगपुर कोरबा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से गौरे संरक्षण का कार्य मैं 1997 से कर रहा हूँ। और 1997 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय एक घटना घटी। मैं जिस कमरे में पढ़ाई करता था उसके सामने वाले जो एक छोटा सुराग में गौरे के 4 बच्चे थे और मैं पढ़ाई करने के लिए एक चटाई बिछाता था नीचे। और जैसे मैंने पढ़ाई समाप्त किया, चटाई उठाया, तो उसके नीचे गौरे का बच्चा दबके मर गया मेरे द्वारा। इसी प्रकार से 3 दिन पता नहीं किस कारण से 3 दिन चटाई के नीचे 3 बच्चे दबके मर गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। और अप्रैल में मैंने 1997 में अप्रैल का महीने में मैंने 19 सुराग अपने मकान में किए और जिसमें बाद तक मैंने प्लस्तर नहीं किया, उसमें गौरैया के लिए मैंने आशियाना बनाया। उसके बाद वर्ष 2005 में मेरे शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई और 2006 से मैंने छोटे छोटे प्लाई के नेस्ट बॉक्स बनाने शुरू कर दिए और 2008 से मैंने अपने आसपास जितनी भी जगह है उसको लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय गौरैया की संख्या लगभग लगभग बहुत ही कम न्यून हो गई थी। आप अपने घर में इसी तरह से एक लोहे के स्टैंड में इस प्रकार के झोपड़ी नमूना बना करके उसके ऊपर नेस्ट बॉक्स लगा करके अपने आंगन में हो गया, प्रांगण में हो गया, छत में हो गया, चाहे आपके ऑफिस के आसपास इस तरह से लगा सकते हैं, जिसमें कि आप विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के को संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। खासतौर से गौरैया या गौरैया के अतिरिक्त जो आपके आसपास जो चिड़िया रहती है कई प्रकार की चिड़ियों का इस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। उसके लिए नेस्ट अलग अलग प्रकार के बनते हैं, उनका सुराग अलग अलग प्रकार का होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी संरक्षण का कार्य करें, इसी तरह से बनाने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास घर में एक सुंदर नेस्ट स्टैंड अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी कई प्रकार की चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाएंगी और हमारे प्रकृति में जो पक्षियाँ समाप्त हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, उनमें हम कुछ न कुछ कार्य करके उनको बचाने का कार्य कर सकते हैं। भविष्य में मेरी ये योजना है कि मैं एक बर्ड हाउस बनाऊं और उसके लिए मुझे 50 से 100 बीघे की जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए अनुकूल होंगे, उनके लिए वातावरण प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न करेंगे और उसमें आपने घोंसला बनाएंगे, इस तरह की मेरे को आवश्यकता पड़ेगी। यह मेरा भविष्य के लिए प्लान है। अगर कहीं से मुझे जमीन मिलता है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ, गौरे के अतिरिक्त सारे लगभग 30-40 प्रकार की चिड़ियाएँ स्वतंत्र वातावरण में उस बर्ड हाउस में रहे। और मैं गिद्ध बचाने के लिए भी कार्य कर रहा हूँ, बच्चा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और पिछले 10 वर्षों से गिद्ध बचाने में थोड़ा बहुत कुछ मुझे सफलता मिली है। भविष्य में इस कार्य को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करूँगा।
नेस्ट बॉक्स गोरे के लिए बनाएं, तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के नेस्ट बॉक्स है, लेकिन मैं झोपड़ी टाइप के नेस्ट बॉक्स गोरे के लिए बना रहा हूँ। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इन तीन प्लाई को, समान प्लाई को हमने आपस में जोड़ा। इस प्रकार से हमने बनाया प्लाई का मजबूत, बिल्कुल मोटा प्लाई का। उसके बाद ये 2021 है, आज 13 जनवरी 2021 है और मैंने इतने डिब्बे इस समय तक 2021 के लिए बना दिए हैं। अभी भी लगातार डिब्बे बनाना जारी है। ये झोपड़ी टाइप के डिब्बे और ये साधारण टाइप के जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। और मेरा प्रयास है कि हमारे घर आंगन में जो गौरैया बचे, गौरे के साथ साथ गिद्ध बचे, सभी पक्षियाँ बचे। मैं सेफ नेट सेफ बर्ड पर कार्य कर रहा हूँ कि हमने किस प्रकार से किसी पक्षी का, गौरैया हो या अन्य पक्षी है, उसके घोंसले को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जब इस समय जो मुख्य हमारे पास चुनौती आ रही है वो चिड़िया का जो बर्ड्स है उसके नेस्ट यानी उसके घोंसले को सुरक्षित रखने की समस्या आ रही है, क्योंकि उसमें जगह नहीं है। इसलिए नेस्ट बॉक्स बना रखे हैं। मुझे 24 वर्ष हो गए हैं और मेरा निरंतर प्रयास है कि हमारे उत्तराखंड में हो या पूरे भारत में हो, सभी पक्षियाँ बचे, कोई विलुप्त ना हो, ना विलुप्त के कगार पर हो, क्योंकि बहुत सी पक्षियाँ हमारे देश में या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त के कगार पर पहुँच गई है। और मेरा आपसे भी अपेक्षा है कि आप हमें घर में ऐसे नेस्ट बॉक्स लगाएं, छोटे छोटे बॉक्स लगाएं, छोटे छोटे डिब्बे बनाएं और इस गौरैया सहित अन्य सभी पक्षियों को बचाने में अपना मुख्य योगदान दें। धन्यवाद। गौरैया सेवक दिनेश जी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे समय समय पर गौरैया के अतिरिक्त अन्य पक्षियों जैसे रॉबिन, उल्लू, मैना, हुदहुद आदि के लिए भी नेस्ट बॉक्सेस बनाते रहते हैं व उन्हें निशुल्क वितरित भी करते हैं। ऐसे पर्यावरण प्रेमियों से हमें उम्मीद मिलती है कि गौरैया पक्षी हमारे घरों से विलुप्त नहीं होंगे। उन्होंने हर नेस्ट बॉक्स पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, जिससे कई पक्षी प्रेमी उनसे संपर्क करते हैं और अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए भी जानकारियां लेते हैं। अगर आपको नेस्ट मेकिंग प्रोसेस के बारे में या अन्य पक्षियों के बचाव के बारे में, गौरैया संरक्षण के बारे में कुछ जानना है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि उनके इस काम को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं या उनकी इस मुहिम में सहयोग करना चाहते हैं तो उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। आशा है कि आप भी देवभूमि के गौरैया सेवक से प्रेरित होंगे और उनका साथ देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।